क्या आप बगैर किसी फिक्र के ड्राइव करना चाहते हैं? तो आपका इन 12 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए हम इन्हीं में से ब्रेक पैड्स के बारे में सीखते हैं। ब्रेक पैड्स गाड़ी के कैलिपर असेंबली में लगते हैं। ये गाड़ी के ब्रेक रोटर्स पे जोर और रगड़ लगाते हैं ताकि पहिए आहिस्ता हो सके और रुक सके। मेहरान, बोलान और रावी के लिए हर 5000 किलोमीटर या 3 महीने मुकम्मल हो जाने पर मुआयना करवाएं और दीगर मॉडल्स के लिए 10,000 किलोमीटर या 6 महीने पूरे हो जाने पर मुआयना करवाइए। आम ड्राइविंग कंडीशंस में 24 महीने चल जाने पर या 40,000 किलोमीटर पूरे हो जाने पर ब्रेक पैड्स तब्दील करवाइए। और न्यू स्विफ्ट के लिए 15,000 किलोमीटर या 12 महीने पूरे हो जाने पर ब्रेक पैड्स तब्दील करवाएं। ब्रेक पैड्स बर वक्त तब्दील ना करवाने की वजह से ब्रेक पैड्स घिस जाते हैं, ब्रेक डिस्क को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, ब्रेकिंग की कुव्वत बढ़ जाती है, ब्रेकिंग की कारकर्दगी मुतासर हो जाती है। ज्यादा इस्तेमाल शुदा ब्रेक पैड से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसके बरक्स बर वक्त ब्रेक पैड्स तब्दील करवाने के बड़े फायदे हैं। पैसेंजर्स महफूज रहते हैं, ड्राइविंग पुर लुत्फ हो जाती है, ड्राइविंग परेशानी से आजाद भी हो जाती है। और हाँ, हमेशा जेन्युइन ब्रेक पैड्स यूज करें क्योंकि इनका मयार बेहतरीन होता है। इनमें एस्बेस्टोस नहीं होता जो कि खुद एक खतरा है। ये कारकर्दगी के लिए टेस्ट किए हुए होते हैं। ये गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के लिहाज से तैयार किए जाते हैं। ये डिस्क को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि नॉन जेन्युइन ब्रेक पैड्स ब्रेक डिस्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के मुताबिक नहीं बनाए जाते, लाइनिंग क्वालिटी खराब होती है, एस्बेस्टोस के हामिल हो सकते हैं जो कि एक खतरा है। लिहाजा हमेशा याद रखें, जेन्युइन चार्म्स नॉन जेन्युइन हार्म्स।